कल्चर है उसके नाते मैं चाहूंगा कि हमारे जो लालजी यादव जी हैं, ये ही द मेन बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर उमर खान जी है, जितने लोग हैं टीम के हर सब सदस्य यहाँ रहे, गोपाल राघव से लेकर सबने किया है, तो मैं अपने अतिथियों का सम्मान कराना चाहूंगा। और सबसे बड़े काउंसलर है यहाँ पर लाल जी यादव जी, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी मुंबई, और मैं चाहूंगा माला के साथ नंद कुमार साई जी का, बादल में भी हस्ती है, तूफान में भी हस्ती है, ठंड में और गर्मी में भी हस्ती है, इसी को मुंबई कहते हैं। तो हर हाल में मुंबई के लोग जो है अपनी गड़गड़ाहट से लोगों को जो है हमेशा ताजी गड़गड़ाहट से एनर्जी देते हैं। कभी यहाँ पे रात में ताज में भी हमला होता है, अगले दिन ट्रेन वैसे ही चलती है, मुंबई कभी नहीं रुकती है, और इस मुंबई में लोग बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार मेरे चीफ गेस्ट के दोबारा ताजी को साथ अभिनंदन करें। हमारे बीच में मैंने जैसा कि बताया डामोर साहब अपना बहुत बड़ा कीमती समय निकाल कर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं अनुरोध करूंगा राजेश मित्तल जी से जो हमारे महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर हैं ह्यूमन राइट्स के, इस अभियान का स्वागत करें। सत्यदेव नजदीक मनोज के जो है मुझे माला दीजिए, मैं चाहूंगा उनका स्वागत करना। सत्यदेव शर्मा जी किधर है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उपदोषता थी तो यहाँ सब ये समझिएगा, मैं सब लोग का अभिनंदन के साथ साथ में कारवा में शुरू करता हूँ। साथ ही में हमारे साथ निकाला हमारे बीच में मैं फिल्म स्टार निकिता सोनी फ्रॉम गुजरात, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि शर्मा जी का मान अर्पण करके स्वागत करें, इस वेरी सीनियर हीरोइन ऑफ द गुजरात। युवा नेता है, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप बैठेंगे रात को 3 या 4 बजे किसी गांधी का फोन न उठे तो मुकेश पांडे आ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय महासचिव नेशनल ह्यूमन राइट वायलेशन कंट्रोल सेल चेयरमैन, जिनका मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। रवि सिन्हा जी फेमस डायरेक्टर ऑफ द भोजपुरी फिल्म, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, भोजपुरी एडवांस से लेकर तमाम फिल्मों का इन्होंने जो है लगातार हिट फिल्म देने वाले, हत्या जैसे सिल्वर जुबली फिल्म देने वाले रवि सिन्हा जी, बहुत खुश करते हैं, जोरदार तालियों से कहते हैं स्टार नहीं सुपर स्टार, सुपर स्टार से बड़ा कोई स्टार नहीं होता जो हमारे बीच में मौजूद है, कोई शर्म नहीं, एक दिल में रखते चाहिए जीवन जीने के लिए, समाज चाहिए ऐसे व्यक्तित्व है। और मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे रमेश गोयल जी हैं द वेरी सीनियर लीडर, प्लीज बलका में माल्य अर्पण करके राहुल राय जी का प्लीज स्वागत करेंगे। राहुल जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए, जरूरत नहीं है स्टार्टअप के अंदर ग्लोबल वार्मिंग सोचने की, मंचों पर जाने की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस मंच के ऊपर जुड़ के हमारे बीच में प्रोत्साहित किया, हमारे टीम के साथ संयुक्त हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अनुरोध करूंगा पिया ग्रेसी से जो हमारे बीच में आई हुई है, जिनका मलाट मलाट के हमारे अध्यक्ष हैं ह्यूमन राइट्स के, जो है बाल्य अर्पण करके मैडम का स्वागत करेंगे, तालियों से अभिनंदन किया जाए। बड़ा अच्छा लगता है कि आप बड़े बड़े हर जगह चेंजेस देखते नहीं है, खाली हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं। प्लास्टिक बैन हुआ, नहीं बैन हुआ, ऑप्शंस आ गए, तो इसका एक ही चीज हम कह सकते हैं कि करना चाहिए, अगर मैंग्रोव्स काट रहे हैं, झाड़ काट रहे हैं, तो अपने घर में छोटी जगह है, एक छोटा प्लांट लगा लो, थोड़ा सा ऑक्सीजन ज्यादा भी आ जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट दैट लेट्स डू अ लिटिल थिंग एज पार्ट ऑफ आवरसेल्फ
and global warming cannot be changed so fast and cannot be rectified easily, but a little deed can definitely help. And with that thing, I would pass on the mic to the next person. मैं और राहुल जी करेंटली तनवीर अहमद साहब की मूवी कर रहे हैं, विच इज़ फॉर नाइट एंड फॉग, और ये मूवी इंग्लिश में बन रही है। ये मूवी इंग्लिश में बन रही है, फ्रेंच में डब होगी, और तनवीर अहमद साहब जी को तो वैसे भी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं हमारी इंडस्ट्री को। मुझे बहुत खुशी है कि मैं राहुल जी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये एक अपने सुपरस्टार का असली मतलब क्या होता है वो असली में इस हीरो ने देखा है, और द आशिकी बॉय, आशिकी मैन, आप जो भी कहें, ये सही मायने में रियल लाइफ में भी एक सुपरस्टार है, और इनको ये मैं बोलती भी हूँ, सुपरस्टार ही बोलती हूँ मैं इनको। अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक पे, ये वेरी इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आई थिंक हम लोग बोलते बहुत है, करते कम है, और जानकारी मैक्सिमम लोगों को कम है, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ मूवमेंट हो जाती है अगर देश में, उसके लिए सब चिड़चिड़ापन कर देते हैं या अपना अपना किसी भी तरह से क्रोध जाहिर करते हैं कि प्लास्टिक क्यों बंद हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। सॉरी, बेसिकली अगर हम लोगों को नॉर्मली हर एक इंसान को ये मालूम हो कि एग्जैक्टली ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, और हम अपना हर एक इंसान अपना दायित्व समझे कि हमें एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना है और चीज़ें अच्छी करनी है अपने लिए, सिर्फ दूसरे के लिए ही नहीं, अपने लिए। कई बार हम बोलते हैं कि हम दूसरों के लिए करते हैं, बट एक्चुअली में हम लोग अपने लिए ही कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के विषय में यही बोलना चाहूँगी कि कुछ एक मूवमेंट लाना चाहिए हम सबको मिलके, और बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर यहाँ पे थे अभी और उन्होंने बोला हम लोगों को एसी के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं हमारे डेली यूज़ में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें उसके बारे में जानकारी रखना। एंड वी ऑल शुड कम फॉरवर्ड, दिस वुड बी अ ग्रेट मूवमेंट कि अगर हम लोग सिर्फ दूसरे देश ही नहीं, हम एज एन इंडियन इसका अपने देश के लिए आगे आएं और इस पर काम करें पूरी तरह से अपने लिए, तो आई एम श्योर वी विल मेक डिफरेंस इन द वर्ल्ड, और लोग हमें सीरियस लेना शुरू कर देंगे, लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग कचरा गिराते हुए जाते हैं, जो कि आज की डेट में हम लोग कहीं भी जाए तो लोग समझते हैं कि इंडियंस हैं तो बुरा, तो दैट्स द थिंग। बाकी मैं आप सबका आभार जाहिर करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, धन्यवाद आप सबका। तो इनकी फिल्म थी, इन्होंने कहा ना नेताजी ने कि भाई इनकी फिल्म तो मैं देखने गया था, आप देखे लेकिन मैं सीख के आया वहां से, और वही गाना काम आया, तू मेरी जिंदगी है। तो मैं चाहूंगा राहुल जी का मैं वेलकम करूं और तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, और प्लीज आके दो शब्द कहे, और मैं चाहूँ जोरदार ताली, सुपर स्टार सिंगापुर में जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषय पे खड़ा होता है, वो नहीं जो पाँच एक चार पाँच होटल भी जा सकते हैं, तो इनके पास पड़ी हुई है, क्या दिक्कत है, सोशल मंच पे आए हैं, यही ओरिजिनल सुपर स्टार होता है और हैं और आगे भी रहेंगे, जोरदार अभिनंदन राहुल जी का। मंच पे उपस्थित मेरे साथ जो वीवीआईपी दोस्त लोग हैं और आप सब भी जो वीवीआईपी लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि
ऐसे दिन पे हम लोग आज पांच जन को मिल रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, एक्टर रहा हूँ और एक्टिंग करता रहूँगा, तो मेरा ख्याल से जितने भी हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, ज़्यादा इमोशनल तरीके से करते हैं या इमोशन से बात करते हैं, तो मैं एक ऐसी भाषा में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली वैसे रिलेट करता हूँ। ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या बीमारी है, कमाल की बात है कि आज के टाइम पे इंटरनेट है। हम कहते हैं कि इस जेनरेशन को जो नॉलेज आज है वो शायद 20 साल पहले नहीं था, 40 साल पहले नहीं था, 50 साल पहले नहीं था। मैं सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, किसी भी रिलीजन की बात करें, मैं कोई रिलीजन को भी नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हमारी संस्कृति या हमारी जो बैकग्राउंड है, हम बड़े गर्व से कहते हैं सबसे पुरानी है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कल्चर है। दुर्भाग्य की बात है कि वी आर सो रिग्रेसिव, ये पिछड़े हो गए हैं हम लोग मानव के हिसाब से। डायलॉगबाजी बहुत करते हैं हम लोग, बातें बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन पर्सनल लाइफ से लेके इवन अदरवाइज हम बहुत पिछड़ गए हैं। ये दुर्भाग्य वाली बात है। कितनी फिल्में मैंने देखी हैं, कुछ फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ, धरती को हमने दिया माँ, माँ बोलते हैं हम, लेकिन जितना अत्याचार हम करते हैं मेरा ख्याल से और कोई नहीं करता है। घर में अपनी माँ के साथ जितना अत्याचार करते हैं, किसी में हिम्मत भी नहीं है, करेगा भी नहीं। भाई भाई से लड़ेगा, बेटा बाप से लड़ेगा, लेकिन कोई भी बच्चा अपने माँ के साथ ये करेगा नहीं जो हम पूरे विश्व में करते रह रहे। और ये साइन आज नहीं है, ये कई सालों से होता रह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये दिन आएगा। आप जिस तरीके से ये अत्याचार कर रहे हैं तुम्हारी मां के ऊपर, ये वक्त आएगा। और ये वक्त आएगा नहीं, ये वक्त आ चुका है। ये आप लोग गलत फहमी में जी रहे हो कि ये वक्त आएगा, ये डिजास्टर शुरू हो चुके हैं। और हम लोग जो हैं इसको बचाने के लिए हम बहुत स्लो हैं। मेरा इतना कहना है, क्या हमको गवर्नमेंट की जरूरत है ये सिखाने के लिए? आपको ये बातें सीखने के लिए जरूरत है कि कोई चम्मच से आपके मुंह में खाना खिलाए? ये सिंपल चीजें करने के लिए आप पेड़े उखाड़ रहे हो, आप खोद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जब अपनी जमीन होती है 4x4, तो उसके लिए तो आप खून खराबा करते हो, बाकी सब जो भी है जो तुम्हारा नहीं है वो परा कर दो जो करना। क्या कर रहे हो आप लोग? मेरा ख्याल से सबसे पहले दूसरे हीरो की कदरदारी बंद करो, खुद हीरो बनो, खुद कुछ करो। सबसे वाहिरा चीज है, मैं देखता हूँ सिंपल चीजें, हमको दूसरों का तमाशा देखने में मजा आता है, खुद खड़ा होना नहीं आता कि किसी के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। खुद खड़े होकर के कहते नहीं हो कि ये मत करो, ये गलत है। तमाशा देखेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ये सब चीजें जो है ये बंद होना चाहिए। और अगर आप मानते हो कि धरती तुम्हारी माँ है, तो कुछ करो, गालोबाजी मत करो। ये जो बीमारी है ये हम संतानों में, चाहे
लड़कियां हो लड़के हो गए, ये बीमारी हमने अपनी माँ को दी है, माँ ने हमको कोई बीमारी नहीं दी है। तो ये बीमारी का भी हल करना हमारा कर्म है और हमारा धर्म है। और अगर पीछे हटते हो तो लानत है हम लोगों को, हमको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। तो ये हमको करना चाहिए। और हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुरानी कल्चर है। क्यों हमको अमेरिका से भाषण और स्टैटिस्टिक्स लेना है या यूरोप से लेना है? ये तो सिंपल चीज है। क्या याद दिलाना पड़ेगा लोगों को कि हमको अपने माँ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे, दूसरों से सीखना पड़ेगा ये सब? भूल गए हैं कि हमको कैसे करना है ये सब? तो विनती करता हूँ लोगों को कि खुद याद करो कि जब आप लोग कचरा फेंकते हो, जब आप कुछ गलत कर रहे हो, कि वो सिर्फ एक जमीन नहीं है, दिमाग में वो लेके आओ कि वो तुम्हारी माँ है, तुमको करना क्या है। तो आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। और इस विचारधारा के साथ मेरा ख्याल से हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। गॉड ब्लेस। देखिए, जागरूक तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जहाँ तक एनवायरनमेंट के बारे में है, क्योंकि ये कहना कि अर्थ इज़ डाइंग बहुत ही ट्रिवियल साउंड करता है। दी अर्थ इज़ सफरिंग वेरी वेरी बैडली। जहाँ तक, जहाँ से भी विश्व से आप देखते हो कि ये कैटास्ट्रोफी हो रहा है, वो कैटास्ट्रोफी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये इंडिकेशन सालों से चल रहा है, ये कई पहले से चल रहा है। लेकिन हम लोगों की विचारधारा हमेशा रही है कि कुछ ना कुछ सुझाव हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आई थिंक मैंने यहाँ पे पहले भी कहा है कि इन ऑल रिलीजन्स, इन ऑल अंडरस्टैंडिंग, अर्थ हैज़ बीन कंसिडर्ड मदर अर्थ, माँ का दर्जा दिया है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन सेल्फिश, वी हैव बीन एरोगेंट, और हमारी विचारधारा ही बहुत ही गलत हुई है। एंड अनटिल एंड अनलेस हम लोग अपनी विचारधारा आर थिंकिंग वी डोंट चेंज, वी आर किलिंग मदर अर्थ, वी आर किलिंग द अर्थ, सो वी हैव टू चेंज दैट एंड डू समथिंग। और भी कई सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए कितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये आई थिंक दिस इज, ये बहुत ही ट्रिवियल सोच है कि सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी है। इट इज़ अ जिम्मेदारी ऑफ एवरी, आई थिंक इट्स अ जिम्मेदारी ऑफ एवरी सिटीजन, ऑफ एवरी पर्सन दैट इज लिविंग ऑफ दिस अर्थ। इट्स नॉट अ सेलिब्रिटीज जिम्मेदारी ओनली। सेलिब्रिटी तो ठीक है, वो जाते हैं, एंडोर्स करते हैं, बोलते हैं, बट आई थिंक टू टेक केयर ऑफ योर मदर इज नॉट अ सेलिब्रिटीज जिम्मेदारी। इट इज जिम्मेदारी ऑफ एवरी डैम सिटीजन, ऑफ एवरी डैम पर्सन। इट इज़ नॉट सेलिब्रिटी 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 ऑल द टाइम। आई थिंक दैट इज ट्रिविलाइजिंग दिस होल इशू too much by saying everything celebrity has to do, sports celebrity has to do, to look after the planet, to look after your mother. I think these are basic things that everybody should be doing it. It's not just the celebrity, and I think this is an onus and a responsibility, mera khayal se, that every person should share and should take it seriously. They should not be putting it only that, oh, celebrity should be doing it, government should be doing it. Do we, when we are taking care of our parents in our house, do we take a sanction from the government? Do we ask Shah Rukh Khan or Salman Khan how to look after our parents? Nobody does that. So take care of the, Mother Earth the way you are supposed to be looking after it, with the basic things at least. Na? Wo karoge, I think everything should slowly get back on track, hopefully. I am doing currently a film called Night and Fog, that is an English film with Tanveer Ahmed. It's a very different kind of a film. When I say different, it truly is. It's a film which is about a director and his struggle to make a film. Kitne pyoli karte hain. Then there's a film called Rehbar, which is a family drama with a college background about a principal who stands upright to fight for the rights of students. Then there is Gayatri, about a father who adopts a differently abled girl. एक भूल हो जाती है उस फादर से, एंड द गर्ल गोज अवे। देर आर सिक्स फिल्म्स, देर इज़ वेलकम टू रशिया, देर इज़ टू बी और नॉट टू बी, ऑल दीज फिल्म्स आर बीइंग रेडी। सो आई एम होपिंग के सम ऑफ दीज फिल्म्स जैसे जैसे रिलीज हो रही हैं, ईच ऑफ दीज फिल्म्स व्हेन दे आर रिलीज, दैट
वापस धीरे धीरे लोगों के दिल में वो प्यार जागृत करूंगा, लोगों के साथ वापस आ जाऊंगा। सर मुद्दों पे लोगों के नाम आते जाएंगे, जाते रहेंगे। टिल देर इज नो फैक्ट बिहाइंड एनीथिंग, देर इज नो पॉइंट इवन डिस्कसिंग इट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड।